पौड़ी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर पर ही दोबारा भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी रण में उतार दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी नवल का मानना है कि इस बार वे भाजपा को बैकफुट में लाकर चुनावी जीत निश्चित तौर पर हासिल कर लेंगे। भाजपा सरकार की नाकामियों का भी फायदा उन्हें इस बार जीत हासिल करने में मददगार सिद्ध होगा। नवल का कहना है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वे भले ही कुछ वोट से मात खा गए थे, लेकिन इस बार पौड़ी विधानसभा में जिस प्रकार भाजपा का खराब परफॉर्मेंस रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। पौड़ी विधानसभा की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, मंडल मुख्यालय की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, इससे पूर्व कभी भी इतनी दुर्दशा पौड़ी विधानसभा की, मंडल मुख्यालय पौड़ी की नहीं हुई है और इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है। निश्चित रूप से जिनको भारतीय जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा विश्वास के साथ में वोट दिया था, वो सब लोग जो युवा साथी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो महिला वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और 2022 में जनता ने मन मला लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनानी है। टिकट मिलने के बाद अब अपने जनसंपर्क अभियान को और भी ज्यादा तेज करने की बात नवल किशोर ने कही, जिसमें कांग्रेस की झोली में भी पौड़ी विधानसभा की सीट को डाल सकते हैं। पौड़ी से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।